guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज है 30 November. तो आज रैली होने जा रहा है ईटानगर से और वहाँ से DNGC से टेनिस कोर्ट तक होने जा रहे हैं. तो अभी 6:30 हो रहा है, अभी हम लोग यहाँ से निकलेगा, नालगढ़ से अभी निकल रहा है. तो आज का रैली का वो जो मोटो जो तो हमें पहुँच के आपको आपको मालूम होगा और बताएगा आपको. तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं जल्दी, वहाँ में पहुँच के आप लोग को मिलते हैं. वीडियो का एंड में बने रहो, आज का पूरा वीडियो उसका रैली का ही वीडियो होगा. सो स्टे ट्यून्ड. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, मान जाते हम लोग दोस्त लोग भी हैं, तो यहाँ से अभी निकल रहे हैं. ये लड़की जो देखो बात करेगा कि कुछ बात नहीं करे, हमको बात करो बोल रहे. आज ये रैली में हम लोग का मीरत ग्रुप में से कुछ गिना चुना लोग ही रिप्रेजेंटेटिव आया है. सिर्फ चार लोग आया है, हम मिला के मीवंग है, मरिया है, भूमि. तो भूमि जो सबसे आगे आपका ये सवाल, आपके लिए सवाल है, ऐसा मांगेगा तुम क्या क्या पूछो ना पूछो. तो सबसे आगे हम ये पूछेगा कि जो जो नहीं आया है तेरा दोस्त लोग में से, उसको आप क्या बोलना चाहेगा? क्या बोलेगा अभी अपना ही ऐसे चीज पे, अभी नहीं आए तो ना बुला के तो सबको कॉल करके तो देखा है, लेकिन नहीं आए अभी, नींद ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, दूसरा चीज है, आपका ये बैनर में लिखा है वी वांट क्लीन इन्वेस्टिगेशन, ये मतलब कि अभी तक क्लीन इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करता है? हम जो वही की क्लीन इन्वेस्टिगेशन होना है, अच्छा से रिजल्ट अच्छा से आना है हम लोग का, एग्जाम जो अच्छा से कंडक्ट करना है जो क्लीन से. आप फेमस करने से आपसे क्या कहना चाहिए? हम तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को वही बोलना चाहते हैं कि अभी नेक्स्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट करने से भी ट्रांसपेरेंट होना है ना, और ये करप्शन का कुछ कर देना है कि दोबारा मतलब पेपर सेलिंग नहीं हो. एस्पिरेंट लोग बहुत ही कम आया, आज आना चाहिए था लेकिन नहीं आया है अभी तक, नहीं है. तो अभी हम लोग यहाँ में 7 बजे पहुँचा था, अभी 9:30 होने वाला, लेकिन बहुत एक्सपेरियंस बहुत कम आ रहा है, क्योंकि आज कम आने से बहुत शर्म की बात है हम लोग के लिए. तो बहुत ही अभी 9:30 होने वाला है, फिर भी ऐसे एक तो यहाँ में देख सकते हैं, ये मेरा दोस्त लोग है, हाय बोलो एक बार, क्योंकि गर्म है तो हम लोग ऐसे शक्ल बना के जा रहा है. तो यहाँ में आप देख सकते हैं, यहाँ में देख सकते कितना मेंबर्स कितना कम आया यहाँ में, यहाँ में आप लोग देख सकते हैं कितना आज का दिन में इतना ज़्यादा आना चाहिए लेकिन भी इतना कम आ रहा है. अभी वैसे भी 9:30 हो गया, हम लोग रुक रहे, आ रहा है बोलता है लेकिन रुक रहे हम लोग, अभी तो आया नहीं, लेट सी क्या होता है, लेकिन जितना भी आया हम लोग करेगा रैली. इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए. बंद करो पेपर बेचना, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो पेपर बेचना, बंद करो, बंद करो, टर्मिनेट करो, टर्मिनेट करो, टर्मिनेट करो.
जयराम को टर्मिनेट करो। चोर है भाई चोर है, वकील जयराम चोर है। क्वेश्चन पेपर मत भेजो, आलू भेजो प्याज भेजो, क्वेश्चन पेपर मत भेजो, क्रिकेट खेलो फुटबॉल खेलो, हमारे फ्यूचर के साथ मत खेलो, क्रिकेट खेलो फुटबॉल खेलो, हमारे फ्यूचर के साथ मत खेलो। अभी पहुंच गया यहाँ में, 3 घंटा लगा यहाँ में पहुंचने के लिए आजी पार्क में, वैसे बहुत गला भी हो गया, थक गया। एजुकेशन सिनेरियो क्या है वहाँ पे, सड़क कैसा है, इंडस्ट्रीज कैसा है, सब आप लोग को चलाना पड़ेगा। कंसर्न सिटीजन से हर कदम स्टेट का जो भविष्य है, हर जो ये ट्रांजिशनल पीरियड है हमारे स्टेट में, हम लोग भूख लग गए इसलिए प्याज भी लग गया, इससे काफी बेहतर है। जो गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे काम किए, ऑब्वियसली भूख लग रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे, पापड़ खिला रहे हैं, गलत है। और कुछ खाने के लिए तो नहीं, ये गलत है। आप जहाँ पे गलत है, आगे बढ़ते जाएंगे। खाना बोल के एक चीज हमारा, हमने मजबूर हो गया। लाइक वाइज हम लोग सोच रहे कि जब इशू एक यूनियन है, यूनियन इशू है, हम लोग सोच रहे कि गवर्नमेंट मानेगा, इसलिए यहाँ पे हम देखा है कि आई थिंक अभी हमको ऐसे लगने लगा है कि जो हम लोग गवर्नमेंट को गाली दे रहा था, शायद हम लोग गलत दिया है। आई थिंक इस पर हम लोग जब मीटिंग बैठा था, सीएम सर भी ये कहा है कि नल एंड वॉइड को कमीशन को रिकमेंड कर देगा। ये तजीपुर अकेला नहीं बोल रहा है, पीजीसी का मेंबर्स था, पेरेंट्स टीम था, ऑफिशियल्स था, मिनिस्टर्स था, एमएलए था, तो सब उसमें विटनेस था, सीएम करेगा। लेकिन वहां से जब वापस आया नेक्स्ट दिन से, जो मीटिंग में गया उल्टा पुल्टा बात करना शुरू हो गया, कोई मिनिस्टर उल्टा पुल्टा बात करना शुरू हो गया, कोई एमएलए उल्टा पुल्टा बात शुरू कर दिया। हमको इसलिए लगता है कि हम लोग का सोसाइटी में प्रॉब्लम है। अभी वही मिनिस्टर, वही एमएलए जो लेजिस्लेचर है, जो संशोधन ला सकता है, व्हिसल एक्ट का बारे में बात करता नहीं, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट का बारे में बात करता नहीं, सिर्फ नल एंड वॉइड को डिमांड को नहीं मानता, बाकी डिमांड को मानता है बोलते हैं, वो भी गायब हो गया। इसलिए हमको लगता है कि शायद गवर्नमेंट को भी ये लोग इमोशनल अत्याचार कर रहा है, हमको ऐसे लगता है। इंक्लूडिंग ये जो टीम जो अभी बनाया था एंटी नल एंड वॉइड वाला, हमको तो ऐसे लगता है। तो अभी वो लोग का अभी रिस्पोकेशन बाकी है, हम लोग अभी भी एक्सपेक्ट करता है कि इस बार वो जो मिनिस्टर एमएलए जो बोल रहा था नल एंड वॉइड को डिमांड को नहीं मानता, आप भी सड़क पे आइए, गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, एंटी नल एंड वॉइड वाला आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि अपना फैमिली का बारे, बीवी बच्चा को भी थोड़ा कभी दिन छोड़ के पब्लिक के लिए भी सोच के बात करने से ठीक है। और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी हम बोलेगा कि ईगो पे मत लीजिए, जब आप लोग सोशली सेंसन ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिटिसिज्म को भी आप लोग एब्जॉर्ब करना है,
अब लोग और टेकिंग लेके आता है कि स्टूडेंट के लिए बात करना है, सोसाइटी के लिए करना है, यू आर सपोज टू एब्जॉर्ब द क्रिटिसिज्म। तो हम रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग का तरफ से अगर कुछ गलत बात किया है तो आई अपोलाइज ऑन बिहाफ ऑफ पीएजी से, बट हम लोग यहाँ पे एक लॉजिकल कंक्लूजन लाना जरूरी है। जब तक ऐसे नहीं करेगा आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन भी शायद हम लोग जिस जमीन पे यहाँ पे करा है कल को वो लोग भी आएगा। हम इसलिए आज का जो इवनिंग है और आज का दिन है आप लोग को हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा, आई थिंक गवर्नमेंट से जो जिस वजह से रेसिप्रोकेशन आना चाहिए आया नहीं है, और आई थिंक नेक्स्ट मोमेंट हम लोग और करने का जरूरी है और पीसफुल मोमेंट ही होगा। आप लोग को इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग बताएगा, जैसे आप लोग आज ऐसे एक्सपीरियंस आप लोग आया है, नेक्स्ट टाइम में आप लोग अकेला मत आइएगा। आप लोग का जैसे एंटी नाले वाला टीम लेके आया था बोंती बाईती को, उसको तो लेके मत आओ, अपना पेरेंट्स को पूरा लेके आओ, भाई भैया को लेके आओ, फैमिली को लेके आओ, दुख दर्द को बताओ। ऐसे करने से आई थिंक एंटी नाले वाला टीम भी आ जाएगा, हम लोग भी आ जाएगा, अपसू भी आएगा, अंशु भी आएगा, वो जो मिनिस्टर भी अपना फैमिली को लेके आएगा जो नालैंड बॉय को नहीं मान रहा था, वो जो एमएलए लोग भी अगर आने से आई थिंक पेमा खांडू सरकार जरूर मानेगा, क्योंकि ये जो सरकार है जनता के लिए बना है, हम लोग ही बनाया है। जब जनता का आवाज़ निकलेगा आई थिंक सरकार मानेगा, क्योंकि ऐसे लगने लगा है कि ये जो आवाज़ है जस्ट पीएजीसी का आवाज़ है, ये जो आवाज़ है तचीपुरू और तदक नालों का ही आवाज़ है, ये जो आवाज़ है जब ये जो डिमांड है जब जनता का डिमांड होगा आई थिंक गवर्नमेंट मानेगा। जब तक ये जनता का डिमांड नहीं होगा आई थिंक गवर्नमेंट नहीं मानेगा। इसी का साथ आप लोग को और हम दिल से धन्यवाद देना चाहेगा, नेक्स्ट टाइम आप लोग को जरूर मिलेगा सेम पेस सेम वेन्यू सेम जो जोश का साथ में। हम आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, थैंक यू। ये है हम लोग का आज का टीम, कुछ बोलेगा आप आके। हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास हम हो। सो अभी खत्म हो गया रैली, आज का प्रोग्राम या में अभी खत्म हो रहा है, तो अभी हम लोग भी जा रहा है। तो आज का इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।